हरदोई में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ट्री बैंक का उद्घाटन किया गया। पर्यावरण प्रेमी अब इस ट्री बैंक में पौधे जमा भी कर सकेंगे और मुफ्त में यहां से पौधे प्राप्त भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि गंगानगर कॉलोनी में सामाजिक संस्था लाइफलाइन एनवायरमेंट के बैनर तले इस ट्री बैंक का उद्घाटन किया गया। ट्री बैंक के उद्घाटन के मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष मिश्रा ने लाइफलाइन एनवायरमेंट की तारीफ की और इस कदम को एक सराहनीय पहल बताया। पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने के लिए वृक्ष का ही लगाना सबसे आवश्यक है। हमारे हरदोई जनपद की हमारी बहन पूनम जी हैं, उन्होंने एक बैंक की स्थापना किया है वृक्ष बैंक के रूप में। इसमें जो लोग हैं वो अपने पेड़ों को जमा भी कर सकते हैं। इसके बाद बाहर जहाँ कहीं चाहते हों कुरियर माध्यम से उनको दे दिया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है जो महिला के द्वारा किया गया है और इस संस्था के द्वारा जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण से मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इस ट्री बैंक की खास बात यह है कि यहाँ लोग अपने पौधे जमा कर सकेंगे, साथ ही बाहर के लोग जो पौधे लेना चाहे उन्हें कुरियर से भी पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।